अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ इरफान चौधरी और आज का लोग हम जा रहे हैं अपने गाँव। अभी रास्ते में ये आप देख सकते हैं खेत है हरे भरे। मेरे साथ हैं तकीब भाई, हैं भाई कहते तकीब भाई, सलमान साहब हैं और ये मैम। तो आज के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे ऐसे खूबसूरत व्लॉग्स आपको बआसानी हासिल हो सके। तो सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ आपको इधर की खूबसूरती, क्योंकि गांव के नज़दीक ही पहुँच चुके हैं हम। हरियाली यार बहुत कमाल की है, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये खेत है और ये हमारे खड्डे हैं। ये साथ में जो है ना वो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है मुर्गियों की, ये जो ना खुराक बनती है इधर, उसके लिए फैक्ट्री बनी हुई है। तो मैं तो इधर अक्सर आता जाता रहता हूँ, जब गाँव फिरने को दिल उदास हो जाए तो मैं आ जाता हूँ। ये देखें आप, ये अंदर वो सामने जिसको हम काली तोरी बोलते हैं, और वो सामने हमारा गाँव है। अभी बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं, जहाँ तक आप देख सकते हैं हरियाली हरियाली है। शहरों वाला माहौल कोई भी नहीं है इधर, हरियाली है, खूबसूरती है। सांस लेंगे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लुत्फ आएगा आपको सांस लेने में। यहाँ पे जो हवा है ना, वो हवा कुछ और ही जायका है इसका, जब सांस लेंगे आप, बहुत अच्छा माहौल है। तो हम तो आते जाते रहते हैं। ये फसल काफ़ी ज़्यादा इनकी बर्बाद हो गई है लोगों की, पानी आया था इधर, हर साल आता है पानी बारिशों का। तो ये सामने भी वो जो फैक्ट्री है, ये भी इधर भी बनती है तकरीबन, मेरे ख्याल से खुराक बनती है मुर्गियों की। जी तो कीर भाई, खुराक ही बनती है इस तरह ही। ये देखे, ये भी फसल बर्बाद हुई है इनकी बारिश के पानी की वजह से। इधर देखें, ये माशाल्लाह इस साइड जो है ना, ये साइड जो है बहुत अच्छी है। ये देखें आप, इधर फसल बहुत प्यारी लगी है, अच्छी तैयार हो गया है फसल। ये भाई, ये तकीर भाई ने अपने हाथों से लगाई है जी। आप भी विजिट करना चाहें तो ज़रूर हम हाजिर हैं। तो जो हमारे वतन से बाहर हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी हाजिर हैं कि पाकिस्तान की खूबसूरती आप देख लें। ये जो फैक्ट्री आपको दिखा रहा था मैं, ये फैक्ट्री है, यहाँ पे मुर्गियों की जो है ना वो खुराक बनती है, फीड जिसे बोलते हैं, फीड ही बोलते हैं। तो गिर भाई, हाँ ये इसका मेन गेट है। ये भी कुछ 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 जगह हैं ऐसी जहाँ पे पानी ने फसल की बर्बादी की हुई है, ये भी देखें आप। ये सारी फसल जो है ना वो चावलों की है जी। ये दरख्त है, बूढ़ा हो चुका है हमारे पैदा होने से पहले का, यहाँ पे हम बचपन में बहुत खेले हैं। ये आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, बहुत बड़ा दरख्त है, अभी तो तकरीबन सारे लोग कहते हैं बूढ़ा हो गया ये। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बचपन में हम खेले हैं, बहुत अच्छा बचपन हमारा गुजरा यहाँ पे। तो ये भी फसल देखें इधर, हम जब ये काटी जाती है तो इधर क्रिकेट खेलते हैं। ये सामने वो ट्यूबवेल है जहाँ पे नहाते थे हम, तो ये गाँव हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये सामने दरबार है इधर, ये तकीर साहब के घर पहुंच चुके हैं हम। ये घर है जी, ये देखें दरख्त लगा हुआ है, ये तकीर साहब हैं, ये सलमान साहब हैं। धूड़ मट्टी काफ़ी ज़्यादा है, अभी मिलते हैं अंदर जाके। जी तो नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं घर है, हमारे साथ है मामू नवीद है, ये मामू है मेरे बड़े, इसको तो आप जानते ही हैं। आते हुए तकीर साहब जो है वो गाड़ी चला रहे थे, वो साथ में एहसन भाई, एहसन भाई बैठे हुए हैं साथ में। तो ये हमारा नन्ना मुन्ना मुन्ना, इसकी आज बर्थडे है जिसके लिए सब इकट्ठे हुए हैं। ये है बड़े मामू, देखे कैसे हैं, क्या बात है क्या बात है, माशाल्लाह इन्होंने तीन शादियां की हुई है तो चौथी की भी तैयारी है। ये हमारे सलमान भाई हैं, आते हुए ये बड़ा मुंह लेके बैठे हुए थे, ये हमारे सलमान भाई हैं तो आते हुए साथ है हमारे। तो मामू नवीद साहब की जो है ना, ये इनकी भी दूसरी शादी करने लगे हैं। तो ये देखें, ये सुलह मार रहे हैं आपको, ये अभी मेहमान नवाजी हमारी स्टार्ट है। ये प्लेट इन्होंने खाली कर दी हुई है, उन्होंने भी खाली कर दी है।
ले जी ये केक आ गया है मोहम्मद हुसैन का। लो जी तो ये बढ़िया टेंडे आ गए। आपको पता है इकट्ठे हो गए सब, तो ये ड्रामे तो चलते ही रहने हैं। हम ये बताओ केक है अभी आगे काटने लगे कद्दू हैं, भी आए ना तो ये मैं देखे ये लगे हुए हैं खीरा 150 रुपये किलो। जी। तो कीर भाई बच्चे के लिए कुछ दुआ हो जाए। जी तो नाजरीन आज हम आए थे मोहम्मद हुसैन की बर्थडे पे, तो उसको विश भी करते हैं और साथ में केक भी काटना है हमने, तो उससे पहले उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उसको सेहत तंदरुस्ती और आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और ऐसी ढेरों हज़ारों करोड़ों खुशियाँ जो अल्लाह पाक उसकी उसकी ज़िंदगी में लाए। तो तकीर साहब तो आपको पता है हर टाइम जो है ना वो ड्रामों में रहते हैं, ड्रामे करते रहते हैं, इनको छोड़ें आप। तो हमारी खसूसन अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इसको सेहत तंदरुस्ती और आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और इसको भी हमारी तरह नौजवान करके हमारी तरह ही जो है ना ये भी सारे मिल बैठ के बैठे। ये क्या कर रही हो आप, ये क्या कर रही हो यार, उसकी घर का भी गेट तक कुछ एक काट रहा है। शर्म करो शर्म। ए भाई ओ हेलो यार, छोड़ दो यार, वो देखो वो देख रहा है सीधा जिसकी बर्थडे है यार। ये क्या हो क्या कर रहा है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। एक मिनट रखो यार, ये देखो केक आपने खराब कर दिया, ये देखो क्या करते यार। यार, यार आप बड़े हो तो उनको समझाए आप क्या। और नहीं यार कैमरामैन तुम क्या कर रहे हो। ये देखो एक मिनट, ये मिलर है यार, ये गिनने लगा हुआ है। नहीं यार ये काम नहीं करता, ये ऊपर से तो यार यार ये पीसेस गिनने लगा। नहीं भाई मत दो। अच्छा अच्छा इतनी दूर से आप देख रहे हैं इसमें से सांप निकलना, वही देख रहे हैं किधर से आएगा। हाय 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 मोशन उतार दे यार, जरा मोशन वट दियो सिद्धू मूसे वाले वाला। हाय वाह आप भी ताओ दो मूछों को यार। अच्छा आप ये बताओ आप शहर से गाँव क्यों आए, केक खाने के लिए भैया तो नहीं आती शहर से, केक नहीं था मिला नहीं मिला। कैसे बंदे हो तुम, जहाँ पे केक नजर आता है भाग के चले जाते हो। ये कैमरामैन को देखो कितना प्यार है तुमसे। भाई ये क्या कर रहा है यार, ये देखो वो देखें यार, बहुत अच्छे बंदे नहीं है ये, बहुत गंदे बच्चे हैं। अभी केक काटने लगे हैं भाई का, तो आप भी कुछ कीजिएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। यार जब यार पास करो ध्यान अपनी पी होंगी टाइम। ये लो भाई वेरी गुड। चलो जी तो नाजरीन ये बिरयानी आ गई है, सुभान अल्लाह ये देखे धुआं निकल रहा है बिरयानी में से। तो ये तकीर भाई जरा रायता दिखाएं जरा, सियाल दे दिन ओए हाय क्या बात है। तकीर भाई कैसी फीलिंग है यार खाने के मतलब। जी सलमान भाई क्या दिल कर रहा है, गेम खेल के ऐसे ही ऐसे ही। जी तो एहसन भाई जट साहब दसो। ओके ओके जी यार आप तो ऐसे घूंघट डाल रहे हैं जैसे कल रात को आप ना दुल्हन के रूप में पैदा हुए हैं। तो क्या हुआ है? जी ऐसा तकीर भाई अभी क्या इरादा आपका बन रहा है, ट्रे में ही खाएंगे या ट्रे में ही? यार थप्पड़ बहुत ज्यादा पड़ते हैं प्लेटों में डाल के खाए। जी तो राजी नहीं ये अभी खाने लगे खाना, तो इसके बाद मिलते हैं आपसे भी तो इंशाल्लाह, बाद में चलते हैं घर की जनाब गुजरावाला।